अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान और आज आपके लिए लाया हूं मैं होंडा CG125 का एक डिटेल रिव्यू। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सी बातें बेहतर हैं और कौन सी नहीं हैं, तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसमें अगर आप इसका यहाँ पर अगर आप इसका कैमरा क्लोज करें तो इसमें जो मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है वो सिर्फ दो हैं। एक ये है कि इसका जो टायर है इसमें मैं लगाया हुआ 90/90/17 का टायर है, इसका सर्विस का अल्फा, इससे ग्रिप थोड़ी इसकी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको इससे क्लोज में दिखाऊं तो अब अगर आप इसको देखें तो इसके और जो इस चेन कवर में ना थोड़ा सा गैप है, तो अगर इसमें मैं 100/90 का लगाऊंगा ना तो वो इसके चेन कवर से टच करेगा। अब अगर इसके हम यहाँ पे आ जाएं तो जो फ्रंट पे टायर है वो है 2/75/18 का, 2/75/18 का इसका टायर है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। तो इसमें जो है इसकी फ्रंट की भी ग्रिप ज़्यादा हो गई है, ये सर्विस का अल्फा है और इसका जो पैटर्न है ये आपके सामने है, और जो पीछे जो टायर है सेम ये भी इसी पैटर्न में है लेकिन ये 90/90/18 का, इससे इसकी ग्रिप अच्छी हो गई। टायर आपको दिखाएं और इसमें एक जो मॉडिफिकेशन इसकी इसमें ऐड करवाया था ये इसका लॉक है, ये फ्रंट लॉक है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें लगवाई हैं, इसके अलावा इसमें जो बाकी है वो सारी कंप्लीट अपनी जनरल हालत में है। इसमें जो इशू है मेन वो ये है कि टूट के इसका जो ये कवर है ये चिप ऑफ हो जाता है, तो इसका सिर्फ एक ये इशू आया। और ये जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये देखें आप, ये सारे जो है ना ये ब्लैक हो गए, तो ये एक वजह है, ये चारों के चारों इसके ब्लैक हो गए हैं। बाकी इसका ये जो क्लच है ये हार्ड है, इसे सेफ्टी के मामले में ये हार्ड है। तो दूसरा ये है कि इसका जो रेस है वो इसकी लाइट के साथ कनेक्टेड है, तो जो लाइट अगर आपकी रात के टाइम जा रहे हैं और आपने रेस स्लो की है तो लाइट आपकी स्लो हो जाएगी, और अगर ये इसका बैटरी के साथ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो जो है पहले इसने शुरू में जो है ना ये 45-40 दे रही थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी होंडा वालों के पास जाके इसकी मैंने ट्यूनिंग करवाई है ना तो मुझे तब एक नया मसला मिला है, उससे पहले इसमें वो मसला नहीं था। अब मसला यही है कि लास्ट ट्यूनिंग के बाद इसकी जो 40 की एवरेज थी 40-42 की, अब वो डायरेक्ट 30 पे आ गई है, और मैंने उनको जाके कहा भी है तो आगे से वो है उनका कहते हैं कि आप 1000 इसको किलोमीटर चला के लाएँ तो फिर हम देखेंगे। अब ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन है अब इस वक्त ये जो बाइक है ये मुझे 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। इसमें अगर एक ये फ्यूल गेज दे दें और एक एक गियर इंडिकेटर दे दें तो ये सिर्फ दो ऑप्शन दे देना तो ये बेहतर हो जाएगा। बाकी ये तो नहीं इनसे एक्सपेक्ट करते कि इस प्राइस में वो हमें सेल्फ स्टार्ट भी दे दें और डिस्क ब्रेक भी दे दें। बाकी इसकी ब्रेकिंग ठीक है, मतलब अगर हम दोनों लगाएं एक टाइम पे हल्की हल्की सी तो ये बिल्कुल स्टेबल रहती है, स्किड नहीं करती, और इसका ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं है, और टायर की वजह से इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी हो गई है। सर जो इसका ये ओवरऑल आप डिज़ाइन देख लें तो डिज़ाइन भी अच्छा है। यहाँ पर जो इशू है कुछ वो ये है कि यहाँ पर हर जगह जगह पर कहीं से रस्टिंग जो है इसकी प्रॉब्लम आ रही है, ये देखें ये रस्ट लगे हुए, तो ये रस्ट जो है वो इसमें आ रहा है, स्पेयर पार्ट्स हैं इसके वो इसी तरह गया है कि जंग वगैरह इसको लग रहा है। अगर आपने लॉन्ग राइड पे जाना है तो ये बाइक जो है ना ये फिर बहुत हार्ड हो जाती है, और इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं वो भी हल्के से भी खड्डे में जाते हैं ना तो यहाँ से टक की आवाज़ आती है, मतलब ये बिल्कुल भी उस लिहाज से कंफर्टेबल नहीं है, और इसमें कंफर्ट उस हिसाब से नहीं है। अगर आप छोटी राइड्स करनी है तो ठीक है, असल में इसकी जो सबसे बेहतर बात वो यही है कि ये होंडा CG125 है बस, मतलब इसका नाम है, इसके स्पेयर पार्ट्स अच्छे हैं, एक इसकी वो मार्केट बन गई भी है। बाकी इसमें जो इसकी गियर रेशो है वो इन्होंने रखी हुई है शॉर्ट, मतलब इसके जल्दी से 1, 2, 3, 4 गियर लग जाते हैं, 60 इवन के सारे गियर लग जाते हैं, और उसके बाद आप इसको रेस देंगे तो ये महसूस होगा जिस तरह एक और गियर मांग रही है, अगर इसको नहीं देंगे इसको खींचते जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो उसमें कम्फर्ट बाइक में आपको जो क्रूज़ वाली फील आती है ना वो नहीं आती। इसमें इसकी रेशो जो है ना वो इन्होंने इतनी गियर की शॉर्ट रखी हुई है कि वो महसूस ही नहीं होता आपको कम्फर्ट, और क्रूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको लॉन्ग राइड की रखना है तो फिर ये उसके लिए नहीं है। बाकी इसकी सीट जो है वो भी हार्ड है और लॉन्ग राइड पे ये आपको थका देती है। इसके अलावा अगर आपने वैसे अगर इसकी अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ओल्ड है, मेरे हिसाब से 125 इसके CC इंजन के हिसाब से जो इसका डिज़ाइन है ना डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई फेयरिंग्स नहीं है, कुछ ऐसी नहीं है चीज़ कि वो लगे कि इंजन वो छोटा है और बाइक इतनी बड़ी बना दी है, तो उस लिहाज से इसके डिज़ाइन को बेशक पुराना है लेकिन ये बहुत बेहतर डिज़ाइन है, और जो शहर की ट्रैफिक को देखते हुए तो ये बहुत ही बेहतर है। बाकी इसकी अगर हैंडलिंग की बात करें तो ये बहुत स्टेबल बाइक है, अगर आपने स्पीड्स पे जा रहे हैं
तो हैंडल भी इसका वॉबल नहीं करता है। इसके जो 2022 का जो मॉडल है और इसके बाद में इसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम है, वाइब्रेशन आपको इतनी महसूस बिल्कुल नहीं होती। और ओवरऑल जो ये बाइक है अपनी सिर्फ पेट्रोल एवरेज की वजह से, क्योंकि 125 इसको देखते हुए इसकी पेट्रोल एवरेज जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए, बाकी ओवरऑल ये एक बाइक बहुत अच्छी है। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो इसका कंपैरिजन अगर हम करें 125 सीसी में तो इसके हमें मार्केट में बहुत कंपेटिटर मिल जाएंगे, जैसा यामा है, सुजुकी तो खैर 125 में बना रहा, एक उनकी आ रही है जो अब GSX है जो अभी आई है हाल ही में, तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो कंपेरिजन इसलिए नहीं बनता कि जो प्राइस का फ़र्क है, जो पहले 2 साल पहले जो 30 से 35 हज़ार रुपये का था अब वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये के राउंड अबाउट है। तो जब जब हम प्राइस की बात करेंगे और सीसी की बात करेंगे तो इसका जो कंपैरिजन है वो इसका कंपटीटर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये आ रही है आज के टाइम पे 235 की, और जो यामा की जो YBDX है वो है 4,08,000 की, और इसी तरह उनके जो बाकी मॉडल हैं वो 440 तक जा रहे हैं। तो अगर इसकी प्राइस में बात करें तो वो 2 लाख का फ़र्क पड़ जाता है। और जो GT 110 जो है सुजुकी की वो 110 है और वो भी 3,35,000 के राउंड बोर्ड में आ रही है, 30-35 के राउंड, वो भी इससे 1 लाख महंगी है। वैसे उसकी सस्पेंशन अच्छी है लेकिन प्राइस में कंपेयर करते हुए और CC को देखते हुए तो ये अपनी प्राइस रेंज में अब जो है वो यूनिक है, पहले 30-35 हज़ार का फ़र्क था जो 2 साल पहले था, और उन्हीं बाइक्स में वो बहुत आगे चली गई हैं। अब तो ये बात ये है कि जिसका जो बजट है बजट के हिसाब से वो बाइक आएगी, क्योंकि साथ उसके कोई मैच करती नहीं वो कैटेगरी। अगर आज की डेट में अगर आप पूछें कि 125 कैटेगरी में सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, तो इस वक्त अगर आप फैमिली और उसके हर पर्पज़ के लिहाज से और वो सारे जो चेकबॉक्स को टिक करें, यामा की जो है YBDX उसमें आपको हर ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन वो आ रही है 4,08,000 की। तो अगर तो बजट है तो उससे बेहतर बाइक नहीं है, और अगर बजट उतना नहीं है तो ये बाइक बेहतर है, क्योंकि ये इसमें वैसे कोई मसला नहीं है। इसकी बस पेट्रोल एवरेज है, वो आप मुझे कमेंट्स में ही बता सकते हैं कि आपकी जो बाइक है वो क्या पेट्रोल एवरेज दे रही है। तो बाकी ये है कि फ्यूचर में आपके लिए मज़ीद भी रिव्यू लाएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।